दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम एस्ट्रॉइड नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की लिस्ट को लेकर। इस लिस्ट में आज हम बात करेंगे 2021 TX14 नाम के इस उल्कापिंड के बारे में। ये उल्कापिंड हमारी धरती से लगभग 1,33,000 किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है और दोपहर 3:08 पर यह हमारी धरती के साथ कम डिस्टेंस पर मौजूद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इसके ऑर्बिट पीरियड। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप 2021 TX14 नाम के इस उल्कापिंड को। ये आज यानी 19 अक्टूबर 2021 आज के दिन यह हमारी धरती के काफी नजदीक से होकर गुजरने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके ऑर्बिट पीरियड को, ये किस तरह से आगे बढ़ता हुआ हमारी धरती के काफी नजदीक से होकर गुजरेगा। यहाँ पर ये हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इसके ऑर्बिट पीरियड को कि ये कितनी दूरी से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा और ये उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरा है या नहीं। दोस्तों ये उल्कापिंड आकार में काफी बड़ा है और इसकी रफ्तार की बात करें तो इसकी रफ्तार 44,000 प्रति घंटा है, यानी 44,000 प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमारी धरती के करीब से होकर गुजरेगा। दोस्तों इसकी रफ्तार इसके हमारी धरती की रफ्तार के बराबर है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हमारी धरती के ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है और यहां पर हमारी धरती और इस एस्ट्रॉइड के बीच की दूरी को हम देखेंगे कि कितनी दूरी से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां पर ये किस तरह से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो कुछ इस तरह से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा। ये हमारे चांद के ऑर्बिट के भी काफी करीब से होकर इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों ये आकार में काफी छोटा उल्कापिंड है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसकी रफ्तार काफी तेज है, लेकिन हमारी धरती के ग्रेविटी फोर्स में यह नहीं आने वाला है। और इस तरह से कुछ इस तरह से ये अपने हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करके अपने ऑर्बिट सफर के लिए निकल जाएगा। दोस्तों इसकी ऑर्बिटिंग लगभग 3-4 सालों में अपना एक ऑर्बिट पीरियड पूरा करता है और ये इस तरह से आगे बढ़ता हुआ हमारी धरती के ऑर्बिट से दूर होता हुआ अपने ऑर्बिट सफर के लिए निकल जाएगा। एक बार फिर से हम देखते हैं कि ये कैसे हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करता है और इस तरह से ये हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करके ही हमारे आगे इसके सफर के लिए निकल जाएगा और ये उल्कापिंड हमारी धरती के लिए कोई खतरा नहीं है। दोस्तों ऐसे ही एस्ट्रॉइड से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।